तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेन टेकीज। एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ माय मैथ सीरीज एंड द सेकंड वीडियो फॉर द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। सो लास्ट टाइम जैसे बोला था, वी विल बी डूइंग द रिवीजन फर्स्ट। सो लास्ट टाइम वी कवर्ड टू टॉपिक्स दैट वर जस्ट अ मिनट, या रिवीजन। लास्ट टाइम वी कवर्ड टू टॉपिक्स विच वर लाइक द फर्स्ट वन वॉज वॉट इज डेरिवेटिव एंड सेकेंड वॉज फोर रूल्स ऑफ सॉल्विंग सम्स फॉर डेरिवेटिव। सो वॉट इज डेरिवेटिव? सो वी नो दैट इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। सो एज लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल में समझाया था कि इफ वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस लाइक ए टू बी, सो दिस द डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द स्पीड चेंजेस। यहाँ पे सपोज 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, सो स्पीड चेंजेस। सो दिस वॉज वॉट इज डेरिवेटिव एंड फोर रूल जो आर आई टोल्ड यू, ए एस एम डी, एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। इन एडिशन एंड सब्रैक्शन डेरिवेटिव दोनों को चला जाता है एंड इन मल्टीप्लीकेशन इट वॉज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट? ये सिखाया था मैंने। एंड इन डिविजन हम लोग ने वही सीखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, बट यहाँ पे प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन क्या था कि अपॉन वी स्क्वायर आ जाता था। सो दिस इज व्हाट हम लोग ने लास्ट वीडियो में सीखा था। सो इफ अगर कोई डाउट्स है यहाँ पे, सो बेझिझक कमेंट सेक्शन या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ लेना। सो इन टुडेज लेक्चर विल बी गोइंग विथ लाइक अराउंड अनदर टू टॉपिक्स, लाइक वन एक ही टॉपिक। द टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव, फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, लेट्स डिवाइड इट, वन टू और ए थर्ड। द फर्स्ट इज द अलजेब्रिक फंक्शन, द सेकेंड वन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज लॉगरिथमिक, जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं, एंड एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग एक्सपो भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एवरी फंक्शंस को, एंड उसके बाद विल बी सॉल्विंग सम्स। तीन सम मैंने किए लाए जिसमें हम लोग लास्ट टाइम के फोर रूल्स विथ आज के जो फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन सो द फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन इज लाइक डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट। सो फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट सी। सी कैन बी वन टू थ्री फोर, कोई भी नंबर ले लो वो आपका सी होगा। तो सी का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, एनी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। उसका रीजन कि कभी भी आप ये एक एक्सिस है और यहाँ पे एक ये लाइन है सपोज टू पे, तो इसका स्लोप हमेशा जीरो होगा, इसका स्लोप हमेशा जीरो होगा क्योंकि वो वैल्यू कॉन्स्टेंट रह रही है। तो जिसका स्लोप स्लोप जीरो होता है उसका डेरिवेटिव भी जीरो होता है। सो कभी भी याद रखो कि
कभी भी आपको कोई भी लाइन प्लेन किसी का भी निकालना है सपोज, तो अगर उसका स्लोप आपको जीरो मिल रहा है ना, तो समझ लो उसका डेरिवेटिव जीरो ही निकलने वाला है। सो ये थोड़ा शॉर्टकट है फॉर JEE एंड CET, ये बहुत बेसिक सा शॉर्टकट है। सो अभी समझा कि बहुत सर बोलते हैं कि लाइक कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रट लो, बट उसका रीजन ही है कि उसका स्लोप जीरो है इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो। अभी सेकेंड है एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव। अभी एक्स टू द पावर एन मतलब एक्स का कोई भी टू द पावर आ गया, उसका डेरिवेटिव है एन टू द पावर एक्स एन माइनस वन। अभी इससे ये फॉर्मूला आपको मतलब मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है। सिर्फ ये जो एन है उसको आगे डाल दो और उसको और जो टू द पावर उसको सब्ट्रैक्ट बाय वन कर दो। नाउ ये फॉर्मूला से आप कोई भी एक्स टू द पावर निकाल सकते हो, एनी एक्स टू द पावर निकाल सकते हो, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई भी हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। तो सपोज बहुत लोग बोलते हैं कि रूट एक्स का सॉरी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोग को रेट लेना चाहिए, विच इज -1/2√x। अभी इसको बहुत लोग रटने मीन्स लाइक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोग याद कैसे करें। कोई लोग बोलते हैं कि इट्स लाइक एक्स टू द पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या गया, फोर्थ टाइम रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो उसको निकालना बहुत सिंपल चीज है। अपन लोग इसको क्यूब रूट को ऑफ एक्स को हम लोग एक्स टू द पावर -1/2 भी तो लिख सकते हैं। अभी हम लोग को पता है अभी एक्स टू द पावर -1/2 है, अभी इसके अंदर मैं एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला डाल दूं क्या? अगर हम लोग यहाँ पे एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला डालते हैं तो जो एन है वो -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक्स तो यहाँ पे ही रहेगा, फिर -1/2 +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये -1/2 रहा और ये एक्स टू द पावर -1/2 +1 क्या होता है, एक्स टू द पावर -1/2 बराबर। सो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1/2 तो नीचे रहेगा, और अगर -1/2 को मुझे +1/2 करना है तो इसको यहाँ पे ला दो और हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया ना आपका दिस इक्वल टू दिस सॉरी ये और ये सेम आ गया ना आपका। सो दिस इज वे आप इससे क्यूब रूट ऑफ एक्स का भी निकाल सकते हो। क्यूब रूट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर -1/3 बराबर। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या क्या, पहले 1/3 तो आ गया आपका, फिर एक्स और -1/3 -1/3 -1 बराबर। -1/3 -1 क्या होता है, सॉरी हाँ -1/3 -1 क्या होता है, सॉरी हाँ सॉरी दिस इज +1/3 -1 क्या होता है। अभी इसको आप डिविजन करके कैलकुलेट कर दोगे तो अराउंड आपको क्या आएगा, एक्स टू द पावर -3 इंटू 1/√2/3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल टू -1/3 आया आपका। सो 1/3 -1 क्या होता है, 1/(x^2/3) हो गया। सिंपल था ये वाला पार्ट। सो दिस इज द वे आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन। इसमें कोई भी डाउट हो, थोड़ा ट्रिकी था बट इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ सेकेंडली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको मैं लिखता हूँ ट्रिगो फंक्शंस। तो ट्रिगो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अभी सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल अपने के पास 9 होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दो दो अलग अलग क्यों लिखा है, तो मतलब इसको थोड़ा इजीली आपको लर्न करने के लिए। अभी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, टैन का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स है, ये टैन एक्स है, ये सेक एक्स है, ये कॉस एक्स है, ये कॉट एक्स है, ये कोसेक एक्स है, तो इसका कॉस एक्स हो गया। और सेक का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x। ये थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा बट इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x।
पॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पर कि सॉरी इसको यहाँ पे रखता हूँ, इरेजर हूँ, हाँ इरेजर हुआ। टैन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर नहीं होता, सॉरी मेरी गलती हुई, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और कोसेक का डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो अभी यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, आप बोलोगे कॉस का डेरिवेटिव तो रॉन्ग है, उसका डेरिवेटिव माइनस माइनस माइनस, तो अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग साइन में माइनस डाले या कॉस में माइनस डाले। तो कभी भी याद रखो कि जिसका भी डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जिसका भी डेरिवेटिव आपको माइनस में है ना, उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा सी है, देख लो उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा सी है। मतलब कॉस का डेरिवेटिव है तो सबसे पहले आप डाल ही दो के माइनस आने ही वाला है, कॉट का डेरिवेटिव है तो पहले डाल ही दो माइनस आने वाला है, कोसेक का डेरिवेटिव डाल ही दो के वो माइनस आने ही वाला है, और जो जिसका स्टार्टिंग सी नहीं वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और आपको ये सिर्फ मेमोराइज कर दो, साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया साइन, टैन का सेक्स स्क्वायर है तो कॉट का क्या होगा कोसेक स्क्वायर, सेक का क्या है सेक टैन एक्स, कोसेक का क्या है माइनस कोसेक कॉट एक्स। तो आप एक साइड का याद रखोगे ना एक साइड का, तो दूसरे साइड का याद रखना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि वो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और ऐसे याद रखना ना, तो इसको ऐसे याद रखो कि बाजू बाजू में बनाओ तो वो इजीली भी रिमेम्बरिंग के लिए हो जाएगा। और अभी लास्ट है लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल को एक्सपो लिखते हैं फंक्शंस। सो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, इसको सिंपल याद रख लो बहुत सिंपल है। ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का सेम ही होता है, इसका सबसे इजी डेरिवेटिव है। और ए टू द पावर एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, सिंपल है ए टू द पावर एक्स तो होगा ही, और बाजू में आपका लॉग ए आ जाएगा, सिंपल खत्म, इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है अभी हम लोग ने इतना तो कर दिया, अब इसको आगे अभी आगे का कुछ रिवाइज करवाना है या फिर आगे ही करूँ। सो हम लोग को अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि एल्जेब्रिक फंक्शंस हम लोग ने याद कर लिए, सेकेंडली हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिए, एंड थर्डली हम लोग ने लॉग एंड एक्सपो कर लिए। अभी हम लोग को फोर रूल्स भी आता है। सो हम लोग का बेसिक डेरिवेटिव तो हो गया, बेसिक क्या कहते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव हम लोग का खत्म हो गया। सो अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। सो सम्स के लिए सब साथ में, सो सम्स के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, सो एवरी सम्स के लिए यहाँ पे आपको इजी दे रहे देखने के लिए। सो फर्स्ट सम हम लोग लेते हैं वाई इक्वल टू 3 cot x माइनस पाई ई टू द पावर एक्स प्लस 3 log x माइनस 4 upon x^3/4। सिंपल सम है। अभी सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि इसमें कौन सा चार रूल में से अप्लाई होगा। तो अभी हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव प्लस माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग क्लाउड एक बना देंगे कि ए एंड एस रूल अप्लाइड, ए एंड एस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy/dx, इसको हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वाई डैश, मैं जगह सेव करने के लिए वाई डैश लिखूंगा, dy/dx इक्वल टू पहले लिख लेंगे पूरा dy/dx ऑफ, ये पूरा लिख लोगे आप टैन ऑफ कॉट एक्स। ये मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ ना इसको आपको ऐसे ही बोर्ड में सॉल्व करना है क्योंकि इसके 3 से 4 मार्क होंगे बोर्ड में, मिनिमम 2 तो होगा, कभी कभी अगर पेपर थोड़ा लीनियंट हुआ तो इसका 3 से 4 मार्क भी मिल सकता है। प्लस 3 log x माइनस 4 upon x^3/4,
और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी नेक्स्ट वन ले मैं, इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री कॉट एक्स। अभी सबको डेरिवेटिव देना पता है ना, एडिशनल सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, तो सबको डेरिवेटिव दे दो। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव टू द पावर ई बाई एक्स प्लस, हमेशा याद रखना कि साइंस में गपला मत करना वरना पूरा सम रॉन्ग चलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर अपॉन एक्स टू द पावर थ्री बाई फोर। इतना सिंपल हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, वाई डैश इक्वल टू जो कांस्टेंट है ना उसको सबको डेरिवेटिव के बाहर ला दो, उसका मतलब थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस फाइव डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस फोर डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स टू द पावर थ्री बाई फोर। हो गया, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ है ये स्टेप तक। सो अभी आगे आगे क्या करना है, अभी एक मिनट मैं न्यू पेज ले लेता। सो इसके आगे अभी हम लोग क्या करेंगे। सो इतना तो हो गया लास्ट पेज से, अभी हम लोग सबका डेरिवेटिव करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे y डैश इक्वल टू थ्री इंटू, सब लोग ने मेरे साथ अगर जिसने भी बुक पेन लिया होगा तो वो लोग को पता होगा कॉटेक्स का डेरिवेटिव देख के वो लिखना माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो थ्री इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक्स स्क्वायर एक्स, फिर माइनस फाइव टू द फाइव, फाइव तो बार कॉन्स्टेंट रहेगा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स, मैंने बोला था याद रखो कि वो दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है, प्लस थ्री जो हम लोग ने बाहर रखा था तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो वन अपॉन एक्स। एक मिनट मैं थोड़ा बराबर से लिखता हूँ, इसको रब कर देते हैं वन अपॉन एक्स माइनस फोर को हम लोग बाहर लिखेंगे, सॉरी क्या हुआ इसका पेन, हाँ फोर को हम लोग बाहर लिखेंगे और एक्स टू द पावर थ्री बाई फोर को पहले हम लोग क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये इजी नहीं होगा सबके लिए सॉल्व करना, माइनस थ्री बाई फोर बराबर। अभी इसको हम लोग वापस सेम टू सेम लिखेंगे माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फाइव टू द पावर ई बाई एक्स प्लस थ्री इंटू वन बाई एक्स माइनस, अभी इसका डेरिवेटिव कैसे होगा हम लोग ने पहले ही बोला एन टू द पावर एन वाला, तो पहले एन को यहाँ पे लिख देंगे बराबर, और एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन। अभी इसको तो हम लोग एलसीएम, सब लोग इतने तो स्मार्ट है कि हम लोग एलसीएम करके उसका आंसर ला पाएंगे, तो इसको वापस सेम लिखेंगे माइनस फाइव ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री वन अपॉन एक्स माइनस फोर। अभी यहाँ पे भी देखो एक सिंपल चीज हो गया थ्री टू द पावर फोर, तो ये फोर और फोर कट हो गया और इसका आंसर क्या होगा माइनस सेवन अपॉन फोर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना माइनस थ्री कोस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फाइव ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स, और ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस थ्री अपॉन एक्स टू द पावर सेवन बाई फोर, तो नेगेटिव भी अट गया। हो गया आपका काम, ये आपका फाइनल आंसर है, बस इतना सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे। ये अभी मैं एज अ थियरी एंड बोर्ड पर्सपेक्टिव आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि एवरी स्टेप दिखा रहा हूँ, जब मैं इसके लिए जाऊँगा एमसीक्यू बेस्ड सम्स के लिए तब मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू ई टू द पावर x log x। सो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई एडिशन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि यहाँ पे m रूल यूज होगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन रूल। सो अभी मल्टीप्लीकेशन रूल क्या था उसको यहाँ पे लिख ही दो, कभी भी लिख रहे हो ना तो यहाँ पे लिख ही दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड
प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इतना लिख ही लो आग बंद करके, जब तक याद नहीं रहता ना। मैं अभी भी लिखता हूँ, मैं अभी इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो भी, मैं कभी भी डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो भी मैं लिखता हूँ कि दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, कि आप कभी भी सब में रॉन्ग नहीं जाओगे। आई नो एक पॉइंट के बाद आप बोलोगे कि यार आ जाता है सब, अब इसमें क्या सर लिखू लिखू लिखू, उसको रखो, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो अभी इसको आप आगे इसको सॉल्व करते हैं कि वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। तो अभी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सिंपल था। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं एक, तो इसका आंसर क्या आएगा, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय एक्स, तो उसको मैं अपॉन एक्स लिख दूंगा, प्लस लॉग एक्स को लिखा मैंने लॉग एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई टू द पावर एक्स, सिंपल खत्म। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ऐसे आंसर देते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो उल्टा आप देखो एडिशन कितना लंबा समझा है, 2 पेज खा गया हमारा, मेरा तो 2 पेज खा गया, आपका पूरा ऑलमोस्ट 1 पेज खा गया, ये आपको सिर्फ 1 2 3 4 चार लाइन में पूरा सम हो गया, सिंपल। अभी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग डिविजन भी यूज करेंगे। सो लास्ट एग्जाम्पल सम नंबर थ्री वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो दो रूल्स यूज हो रहे हैं ए एंड डी। तो पहले ना हमेशा बोर्ड मास के वे से जाओ, कभी भी जाओ ना तो बोर्ड मास में क्या आता है, पहले डिवीजन। तो पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव का क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और अपॉन बी स्क्वायर, खत्म, सिंपल। और एडिशन का रूल तो सबको आता ही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वाई डैश इक्वल टू फर्स्ट लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको ब्रैकेट में रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी होल स्क्वायर। ये हो गया, हम लोग ने इतना तो लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते, रुक मैं आप ही सॉल्व कर दूँ। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो दोनों का डेरिवेटिव आएगा, तो अभी हम लोग, मुझे पता है कि सब लोग स्मार्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, क्योंकि एक्स 2 माइनस 1 1 होता है, तो उसको 2 द पावर 1 है, और माइनस 5 का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो माइनस 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये प्लस था, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, सिंपल, और माइनस प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस 0, सिंपल, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। अभी सिर्फ इसको हम लोग लिख ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x बराबर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, हो गया इतना। अभी 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर आगे लिंक टूट जाएगा हमारा, सो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा नया ही कर देता हूँ, तो इसको हम लोग याद रखते हैं, इसका क्या था हम लोग का, कि इसका आएगा 2x को अगर हम लोग कॉमन ले लिए, सर 2x अगर हम लोग ने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर, अगर मैंने 2x को कॉमन ले लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, ये तो सबको पता है। अभी आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया ये, अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे और सिंप्लीफाई होगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2x इंटू 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव दी होल स्क्वायर। अभी ये 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा आंसर, 16x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव द होल स्क्वायर। देखो इतना ये आपका आंसर है डिविजन का, पहले कितना बड़ा बड़ा आंसर लग रहा था, इतना अभी ये सिंपल आंसर हो गया। सो ये हम लोग ने अभी तक हम लोग ने सब पूरी तरीके से हम लोग ने क्लियर कर दिया कि हम लोग ने चारों रूल्स भी यूज कर लिए। सेकेंडली हम लोग ने क्या कहते हैं, सब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और एक्स टू द पावर दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शंस भी यूज कर दिए। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या किया, समरी समरी हम लोग का क्या क्या था, फर्स्टली रिविजन किया हम लोग ने, सेकेंडली फंक्शंस फंक्शंस यूज किए हम लोग ने, सब सीखे हम लोग ने, वी लर्न्ड फंक्शंस सब तीनों टाइप के, दैट इज एल्जेब्रिक ट्रिगो, और लास्टली क्या था हमारा, एल्जेब्रिक ट्रिगो और लास्टली लॉग एंड एक्सपो, और थर्डली हम लोग ने सम सॉल्व किए। सो अभी मैं आपके लिए एक नॉर्मल एक टास्क देता हूँ, देखते हैं मेरे लिए वो टास्क कमेंट सेक्शन में कौन कौन ला के दे सकता है, कि हम लोग ने जितना भी अभी पढ़ा ना उसका एप्लीकेशन ढूंढ के बताओ मुझे, रियल टाइम एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन, आप वर्चुअल एप्लीकेशन रियल टाइम एप्लीकेशन मुझे ढूंढ के बताओ, और अपने तरीके से कोई भी सम बनाओ और इसको सॉल्व करो। और अगर आपको सम से है ना तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट GTB, उसको मैं GT बोलता हूँ, GTB उठाओ, गूगल पे भी बहुत सारे फोटोज पड़े, और अगर नहीं होगा ना तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो उसको। सो GTB से पढ़ो, बट मुझे ये देखना कि ये टास्क कौन पूरा करके देता, ठीक है? तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे ला के लिख देना, या फिर लास्ट टाइम मैं वापस अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे लिख देता हूँ, पूजन शाह _9PS, इस पे मुझे कभी भी पिन करो, मैं डेफिनेटली within 24 hours आपको रिप्लाई कर दूंगा, within 24 hours आई कैन गारंटी यू। सो पढ़ते रहो, एंजॉय करो, अभी गणेश चतुर्थी भी आ रही है थोड़े दिनों में, सो उसके वजह से पढ़ाई अफेक्ट मत करना, एंजॉय करो बट साथ में साथ पढ़ो भी। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइस, होप सबको पढ़ने में मजा आ रहा है। Thank you.